हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे एक टीवी का नया फॉल्ट। देखिए, CRT टीवी है, इसको लाइट में लगा के देखते हैं। देखिए, इसमें चित्र बराबर से नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, एकदम फैला हुआ आ रहा है। इसमें यही प्रॉब्लम है कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, इसको चलिए देखते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है यार, कम से कम हमारे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम दिखाते हैं टीवी को, हमने खोल लिया है। देखिए, इस तरह की कंडीशन में ज़्यादातर ये पिक्चर ट्यूब में जो ये बेस बोर्ड लगा है ना, पिक्चर ट्यूब में ये जो बेस बोर्ड लगा है, देखिए ये वाला, देखिए ये बेस बोर्ड है, इसी में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर इसका बेस ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से दिक्कत आती है। और दूसरी दिक्कत और भी आ सकती है ESD की वजह से। ये काली काली दिख रही है ना आपको, ये ESD है। ये जब ज़्यादा वीक हो जाती है तब ऐसी कंडीशन आती है। ज़्यादातर ये बेस ख़राब होता है, सबसे पहले हम बेस को ही चेंज करके देखेंगे, बाद में ये अगर नहीं होगा तो फिर ESD चेंज करके देखेंगे। इसको आराम से निकाल लेंगे हिला हिला के, क्योंकि ये कांच का होता है, अगर थोड़ा सा ज़ोर से निकालेंगे तो ये पूरा उखड़ के आपके हाथ में आ जाएगा, इसलिए इसको आराम से हिला हिला के निकाल लेंगे। देखिए ये बेस है, इसमें कार्बन लग चुका है। देखिए ये पिक्चर ट्यूब में जो पिन हैं इनमें भी कार्बन लगा हुआ है। इसको पहले हम अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे इसको हम, फिर उसके बाद ये बेस को हम चेंज करके देखेंगे। अगर बेस से नहीं होगा तो फिर ESD को चेंज करना पड़ेगा, बस इन्हीं से फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर इन्हीं की दिक्कत जब होती है तभी ये दिक्कत आती है। देखिए ये बेस बोर्ड भी हमारा ख़राब दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, पहले हम उसको साफ़ करेंगे पिक्चर ट्यूब को, जो ये पिन है ना इसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे। इसमें भी कार्बन लग जाता है ना, इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। इसको आराम से निकाल लेंगे, देखिए निकल गया ये। अब इसको ब्लेड की मदद से अच्छे से हम क्लीन करेंगे, अच्छे से हम साफ़ कर देंगे, जिससे जो कार्बन लग जाता है, जो डस्ट लगा है, वो अच्छे से साफ हो जाए। इसकी वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, आप करके देख लें। इसको अच्छे से हम साफ़ कर देंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, इसमें कोई कार्बन ना रहे, क्योंकि इसमें बरसात की वजह से ना नमी जब बैठ जाती है तो इसमें भी कार्बन लग जाते हैं, जिससे पिक्चर है ना क्लियर नहीं आती है। इसको आराम उसी तरह से फिट कर देंगे। इसको एक बार हम चेक करके देखते हैं, अगर इससे ठीक हो गया तो फिर काहे को बेस चेंज करेंगे, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करके लाइट में लगाएंगे, देख लेते हैं कि हम पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आपको आगे दिखाते हैं।
देखिए पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है, पहले बिल्कुल भी पिक्चर नहीं दिख रही थी, अब देखिए काफ़ी फर्क पड़ा है, फिर भी अभी भी पिक्चर फैला हुआ आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है अभी पूरी तरह से। तो हम ESD से एडजस्ट करके देखेंगे, ESD में जो दो पिन होती हैं उससे उनको घुमा के देखेंगे, उससे हो सकता है तो ठीक है। ESD से भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पिक्चर वैसे की वैसे ही आ रही है, फैली हुई एकदम, क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए हम चलिए इसको बेस को ही चेंज करके देखते हैं। इसको पावर से हटा देंगे, ये बेस है ना, इसको चेंज करेंगे, इसको आराम से निकाल लेंगे, ये बेस है ना, इसको हम चेंज करेंगे, सब वायर निकाल देंगे, इसमें फोकस का वायर लगा होता है इसको भी निकाल देंगे, ये फोकस का वायर है, बेस को निकालेंगे हम, पहले थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे, इससे आराम से ये बेस निकल आएगा। इसको फटाफट निकाल लेते हैं, इसमें अच्छे से काम करें, प्रिंट न उखड़ने पाए ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसको अच्छे से साफ करके इसका रंग निकाल देंगे, पहले ये आराम से निकल आएगा। इसको आराम से निकाल लेंगे, देखिए इस आराम से निकल आया है। अब इसको अच्छे से साफ करके हम दूसरा बेस यहाँ पे लगाएंगे, देखिए दूसरा बेस है हमारा, इसको यहाँ पे लगाएंगे, उसी तरह से लगाना है जिस तरह से वो लगा था। इसको अच्छे से हम सोल्डरिंग कर देंगे, ध्यान रखें कि कोई एक दूसरे में वो कोई टांका न जुड़ने पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से काम करें। इसको अच्छे से हम टाका लगा देंगे अच्छे से, ध्यान से काम करें, कोई एक दूसरे के वायर ना जुड़ने पाए, इसको अच्छे से साफ कर दें, इसको अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। एक बार इसको थिनर से अच्छे से क्लीन कर देंगे हम, जिससे इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसको अच्छे से क्लीन करके एक बार इसको अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई वायर तो नहीं टच है, अगर कोई टांका एक दूसरे में जुड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको देख लें। इसको अगर डाउट हो तो एक बार मीटर से चेक करके देख लें, कहीं कोई प्रिंट तो नहीं उखड़ा हुआ है, कनेक्शन बराबर सभी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है चेक कर लें, कोई एक दूसरे से तो नहीं कोई टांका जुड़ा हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब इसको लगा के देखेंगे, यहाँ पे हम फोकस का वायर लगाएंगे, जो ST से आता है, ये फोकस का वायर है,
इसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे। ये ग्राउंड का वायर है जो पिक्चर ट्यूब में लगा होता है, ऊपर ग्राउंड का वायर दिया जाता है पिक्चर ट्यूब को, जिससे कि करंट ना मारे, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये ग्राउंड से जुड़ा होता है। इसको हम लगा के देखेंगे एक बार हमारी पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए लाइट में लगा के देखते हैं। लाइट में लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कंडीशन है पिक्चर की। देखिए पिक्चर तो हमारी एकदम क्लियर आ गई, साफ आ गई एकदम, कोई फैली हुई नहीं है, पिक्चर एकदम क्लियर है। देखिए ज़्यादातर ये बेस ही ख़राब होता है, तभी ऐसी दिक्कत आती है। आप बेस को चेंज कर दें। अगर बेस से नहीं होता फिर तो हम ESD को चेंज करते, क्योंकि ESD भी जब ज़्यादा वीक हो जाती है ना तभी दिक्कत आती है। ज़्यादातर बेस ही ख़राब होता है, ESD बहुत कम ख़राब होती है ऐसी कंडीशन में, इसलिए बेस को ही देखें सबसे पहले। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।